ताजा तरीन सच्ची और प्रमाणिक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें NS Now। नमस्कार, NS Now देख रहे हैं आप। शासन के आदेश पर ग्रीष्मावकाश के बाद इस बार 16 जून से ही प्रसिद्धीय विद्यालय खुल जाएंगे। विद्यालय तो खुल जाएंगे पर बच्चों को पढ़ाएगा कौन, इस पर अभी संशय है, क्योंकि प्रसिद्धीय विद्यालयों की रीढ़ बन चुके शिक्षा मित्र और निदेशकों का अनुबंध 31 मई को ही समाप्त हो गया है। उनका केवल 11 माह का ही अनुबंध रहता है और उसका ही उनको मानदेय मिलता है। जून माह का मानदेय इनको नहीं मिलता है। ऐसे में बिना अनुबंध और बिना पारिश्रमिक के उनके पढ़ाने पर अभी भी संशय बना हुआ है। इसलिए प्रसिद्धीय विद्यालय तो खुल जाएंगे, लेकिन 31 मई को ही समाप्त हो चुके अनुबंध के बाद शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के विद्यालय जाने पर संशय बरकरार है। उनके अनुबंध का रिन्यूअल जुलाई माह में होता है, उससे पहले उनका रिन्यूअल नहीं होता है। शिक्षा मित्र और अनुदेशक भी बिना नए अनुबंध के विद्यालय जाने को लेकर उपापोह में हैं, क्योंकि अगर वे विद्यालय जाते भी हैं तो उनको इसका पारिश्रमिक नहीं मिलेगा। आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के गोरखपुर के जिलाध्यक्ष गदाधर दुबे ने कहा कि जून माह का शिक्षा मित्रों को मानदेय नहीं मिलता है। इसका अनुबंध 1 जुलाई से 31 मई तक का ही है। इस बार 16 जून से विद्यालय खुल जा रहे हैं। हम शासन के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लेने पर वह बिना पारिश्रमिक कार्य नहीं करने का ऐलान कर दिया जाएगा। प्रसिद्धीय अनुदेशक कल्याण एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह ने कहा है कि वह शासन का हर आदेश मानने को तैयार हैं, लेकिन बिना लिखित आदेश के अनुदेशक विद्यालय नहीं जाएंगे। हम लोग नो पे नो वर्क पर ही अडिग रहेंगे। इस मामले पर गोरखपुर के BSC ने कहा, ग्रीष्मावकाश के अवकाश का समायोजन ठंड के समय अवकाश देकर कर दिया गया था। ऐसे में 16 जून से सभी को विद्यालय आना होगा। शिक्षा मित्र और अनुदेशक के अनुबंध को लेकर शासन स्तर पर जो भी निर्णय लिया जाएगा उसका पालन कराया जाएगा। ये कहना है गोरखपुर के BSC RK सिंह का। तो कुल मिलाकर शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों में अभी ये संशय बना हुआ है कि आखिर 16 जून से उन्हें विद्यालय जाना है या फिर नहीं जाना है। उनके नेता भी इस बात को लेकर चिंतन मनन में हैं कि आखिर शासन का क्या आदेश आता है, और उस आदेश के आधार पर ही यह तय किया जाएगा कि 16 जून से शिक्षा मित्र और अनुदेशक विद्यालय में शिक्षण कार्य के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही NS Now पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। फिर मिलते हैं आपसे कोई अगली न्यूज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।